नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पेट्स डॉग भव्या पे। तो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए पपीज़ पालना बहुत सस्ता करने वाला हूँ। पहले मैंने ये अपने पपीज़ के ऊपर मैंने बकायदा एक्सपेरिमेंट करा और फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। जो आप अपने पपी को महंगे महंगे फीड खिलाते हैं, लाइक रॉयल कैनन हुआ, पेडिग्री हुआ, बहुत से तरह का फीड वगैरह खिलाते हैं और वो बहुत महंगा पड़ जाता है, उसके बावजूद भी कई बार पपी होते हैं वो उस हिसाब से बन नहीं पाते। तो आज मैं आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद की वीडियो लेकर आया हूँ जिनके पास पपी होते हैं कि बिना फीड पे खर्च किए गए पैसों से घर के मात्र आप एक बार पपी को खाना खिलाएंगे तो उसका खर्चा मात्र ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास 7 पपी 8 पपी है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये एक टाइम का खाने का खर्चा आपका आएगा। ये मेरी गारंटी है, इससे ऊपर का आपका खर्चा नहीं आएगा। और उस खर्चे में आपके 11 पपी 10 पपी ऐसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास फूलते चले जाएंगे कि उसका मुकाबला रॉयल कैनन भी निकल कर पाएगा। मैं अपने पपी को वही खिलाता हूँ, अपने बच्चों को वही खिलाता हूँ। रिजल्ट देख लीजिए, ये देखिए पोज देखिए, ये देखिए देखिए ये देखिए क्वालिटी वाइज ऐप के लिए उठ जाओ ऐसा। ये देखिए, ये फीमेल है, ये मेल है। हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया? कैसे सदन में आ रहे थे वहाँ? देख लीजिए पप्पी की क्वालिटी, देख कितने सुंदर पप्पी है। और क्वालिटी वाइज भाई साहब, आंखों से देखोगे ना डायरेक्ट मज़ा आ जाएगा। क्या हो गया बेटा तुझे? अभी देख लीजिए इन पप्पी की क्वालिटी, देख लीजिए और पोज देख लीजिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो ये सारे नॉन वेज तो मैं खुद भी नहीं खाता, वेजिटेरियन हूँ और यही नहीं खिलाता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि इनको आप क्या खिलाइए जो कि आपका घर का खर्चा बच जाए, बाहर का जो ये जो फूड वगैरह खिलाते हैं इनका खर्चा बच जाए। देखिए मैं इनका रूटीन डाइट बताता हूँ। दिन में 3 बार इनको मैं खाना देता हूँ। सुबह उठता हूँ, सबसे पहले दही तीनों टाइम देता हूँ। सबसे पहले इन्हें मैं खाना दिया सुबह उठा तो आलू शकरकंदी, और एक मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको नारियल का तेल। अपने पपीज़ को दीजिए और रिजल्ट देखिए। शकरकंदी में इतनी ज़्यादा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि आपकी किसी भी चीज़ को, किसी भी पपी को बहुत जल्दी मोटा और हष्टपुष्ट कर देंगे। पेट के डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इसमें शकरकंदी डाल दी, आलू डाल दिए, दही डाल दी या और दलिया, और सुबह के टाइम 1 अंडा और शाम के टाइम 1 अंडा। इसके अलावा कुछ नहीं देता, ना फूड ना कुछ। एक पपी का खाना, एक आलू आज के टाइम में 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पे 50 रुपये के 6 किलो ही मिल रहे हैं, कई जगह 50 के 7 किलो ही मिल रहे हैं। दही अपने घर पे जमाता हूँ 32 रुपये का पैकेट लाता हूँ, आधे किलो का, एक टाइम में आधे किलो ख़त्म हो जाती है। तो 3 टाइम चलती है दही इनकी 11 पपीज़ की। देखिए सुंदरता देख लीजिए, बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास। क्या हो गया? और ऐसे ही मैं शाम को रिपीट करता हूँ, लेकिन शाम को अब मैंने इनको सोयाबीन देना चालू कर दिया है जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बढ़ते बच्चों के लिए सोयाबीन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं बस क्या हो गया? बस तो इसलिए मैं आपको डाइट बता रहा हूँ ना, आप एक बार अपने पपीज़ को दे के देखिए। लेकिन उससे लिए सबसे ज़रूरी है टाइम पे डिवॉर्मिंग करवाना। अब ये ऑलमोस्ट 57 डेज़ के आसपास हो चुके हैं, लेकिन इनकी 3 बार डिवॉर्मिंग मैं अब तक करवा चुका हूँ, हर 15 दिन पे और एक बार 20 दिन पे। सबसे पहले 20 दिन पे, फिर 15 दिन पे इनकी डिवॉर्मिंग मैंने करवा दी है। सबसे बढ़िया चीज़ डिवॉर्मिंग करवाना ज़रूरी है। और मैंने आपको जो डाइट बताई है, दही आलू शकरकंदी दलिया और 1 अंडा सुबह 1 अंडा शाम, बस ये। इसके अलावा आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। दलिया भी आपका ये मान के चलिए, हमारे यहाँ पे तो 25 रुपये किलो मिलता है, 1 किलो दलिया पूरे एक दिन में चल जाता है। ठीक है जी, 11 बच्चों की डाइट और इनके माँ बाप की जो माँ है वो मदर है, उसको भी आपको मैंने दिखा रखा है कि मैं क्या देता हूँ। तो नॉर्मल मैं इसी डाइट पर रखता हूँ, ठीक है जी, अलग से मैं इनको कुछ भी नहीं देता। और पपीज़ की ग्रोथ वगैरह, इस टाइम मैंने इनकी परसों डिवॉर्मिंग करी थी, जो इनका वजन है 7 kg+ है। किसी पपी का आप उठाए नहीं, सबका नहीं,
चार पपी हैं, चार में से हाँ तीन का सेवन के सेवन प्लस है और एक का 650 ऊपर है, वो 7 से नीचे है। तो ये देख लीजिए आपके पपी, अपने पपी को ये खाना खिलाइए जो मैंने आपको बताया, और कसम से बोल रहा हूँ आपका इतना खर्चा बच जाएगा, आगे आपको रॉयल कैनिन नहीं पेडिग्री आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैल्शियम मल्टीविटामिन मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ अभी, सिर्फ दही, और दही में इतना कैल्शियम हो जाता है कि आप पूर्ति हो जाती है। अब जो मेरे से लेके जाता है मैं उनको सजेस्ट जरूर कर देता हूँ कि भैया कैल्शियम दीजिए, क्योंकि बढ़ते बच्चों के लिए ज़रूरी है, बढ़ तो ये भी रहे हैं, लेकिन एक कैल्शियम की बोतल मेरी मुश्किल से अगर मैं देने पे आ गया 11 बच्चों को, उनमें 20 ml तो आता है, एक बोतल रोज़ ख़त्म हो जाएगी, सुबह शाम एक एक ढक्कन भी डालूंगा तो इसलिए कैल्शियम मैं नहीं देता क्योंकि वो उसके लिए बहुत खर्चा हो जाता है, लेकिन जल्दी बिक जाते हैं तो जो ले जाता है उसको देगा, लेकिन उससे पहले मैं इन्हें तैयार करके इतना बढ़िया तरीके से उन्हें दे देता हूँ कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप अपने पपीज़ को दीजिए, और इससे बढ़िया भी हो सकता है, इससे बढ़िया भी आपको रिजल्ट मिल जाए। ये देखिए इसकी क्वालिटी देखिए मेल की, कितना ज़बरदस्त क्वालिटी का मेल है, बिल्कुल फन फेस, एक हाथ से एक उठाना मुश्किल है। ये देख लीजिए। तो धन्यवाद, आज के लिए यही था, चलो हेलो कह दो, गुड बाय कह दो, उधर कह दो, उधर उधर कह दो, कह दो गुड बाय।